नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का इस हमारी नई योग सीरीज के अंदर, जहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं जो योगासन आपके लिए मैं ला रहा हूँ, उसका नाम है भद्रासन। तो भद्रासन ये बैठकर किया जाने वाला आसन है और ये बहुत ही अच्छा है आपके हिप जॉइंट के लिए और आपके नी जॉइंट को और ज़्यादा हेल्दी और फ्लेक्सिबल रखने के लिए। दूसरा है, उसके साथ साथ आपकी थाइस में अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा चर्बी है या फिर स्टिफनेस ज़्यादा रहती है, हैमस्ट्रिंग मसल्स आपके टाइट रहे, तो ये आसन उनके लिए भी ये बहुत अच्छी तरह से आपको लाभकारी होगा। और ये योगा प्रोटोकॉल के अंदर आता है, जहाँ पर हम जो 21 जून को योगा दिवस मनाते हैं उसी के अंदर ये आसन को सारी दुनिया ये उसी दिन प्रैक्टिस करती है। तो अगर आपको भी ये प्रैक्टिस करनी है तो डेफिनेटली ये प्रैक्टिस आपके सारे परिवार के लिए काम आएंगी और बहुत ही अच्छा आपको लाभ देगी। तो आइए जानते हैं कि भद्रासन किस तरह से करना है, कौन कर सकता है, किसको किस तरह से करना है, कौन नहीं कर सकता है और करने से उससे आपके शरीर के अंदर क्या लाभ मिलेंगे। ये भद्रासन हमारी योग सीरीज का 9वां आसन है और आगे के अगर 8 आसन आपको देखने तो मेरे चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे, वो अलग अलग सीक्वेंस के अंदर हमने रखे हैं और आप सारे वीडियोस उसी के अंदर आप वन बाय वन देख सकते हैं। भद्रासन, अंग्रेजी में भद्रासन को द ऑस्पिशियस पोज के नाम से भी जाना जाता है। ये आसन आपके तन एवं मन दोनों को दृढ़ता प्रदान करता है। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पे ना पड़े। इस मुद्रा को दंडासन कहा जाता है। अब दंडासन की स्थिति में धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के तलवों को आपस में जोड़ें। अब अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों की एड़ियों को जितना संभव हो उतना मूलाधार के पास लाएं। अगर ऐसा करते हुए आपकी जांघें जमीन को ना छू रही हों तो आप उनके नीचे तकिया रखकर उन्हें सहारा दे सकते हैं। भद्रासन एक विराम आसन यानी लंबे समय तक बैठे रहने की मुद्रा है, इसलिए अब इस मुद्रा में आंख बंद करके सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। भद्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। यह घुटनों और कूल्हे की हड्डी को मजबूत बनाता है और घुटने के दर्द को कम करता है। यह आसन पेट में किसी भी तरह के तनाव को दूर करता है। महिलाओं के मासिक धर्म के समय होने वाले पेट दर्द और अन्य तकलीफों से भी राहत दिलाता है। ये आसन गर्भवती महिलाओं के लिए भी लाभकारी है। अक्यूट आर्थराइटिस यानी गठिया और साइटिका के रोगी ये आसन ना करें। कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद अपनी आंखें खोलें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए और अपने पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए दंडासन की मुद्रा में कुछ क्षणों तक आराम करें। भद्रासन आपके शरीर के अंदरूनी अंगों पर असर करके आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये आसन किस तरह से किया जाता है। अगर आपको ये आसन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में आप बताइए कि आपको किस तरह के और हेल्थ वीडियो देखने हैं मेरी तरफ से, तो मैं आपको वो वीडियो अपलोड करते रहूँगा और आपकी हेल्थ को और इम्प्रूव करने के लिए मैं आपके लिए हेल्प करता रहूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस है वो आप तुरंत ही अपने चैनल पर देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएँ और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।